गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी विल रीड दिस चैप्टर फ्रॉम लाइन नंबर सेवेन दिस लाइन नंबर सेवन वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर टुडे एज टाइम वेंट ऑन बेंजी बिगैन टू कीप मेनी मोर हैंस, वक्त बीतने के साथ साथ बेंजी और ज़्यादा मुर्गियाँ पालने लगा रखने लगा सुन देयर वेयर मोर एग्स दैन कुड बी सोल्ड एट द बैक डोर एंड बाई द टाइम बेन्जी हैड लेफ्ट स्कूल ऐट फोर्टीन ही हैड फोर्टी और फिफ्टी हैंस एंड अबाउट एज मैनी लेइंग पुलेट्स एंड दीज वेयर प्रोड्यूसिंग एंड एवरेज ऑफ टू हंड्रेड एग्वीक अब आगे बढ़ते हैं तो शीघ्र ही शीघ्र ही उसके पास बहुत ज़्यादा अंडे हो गए इतना अंडा हो गया कि वो घर पर से नहीं बेच सकता था अब चौदह साल की उम्र होते होते बेंजी ने स्कूल छोड़ दिया और उसके पास चालीस से पचास मुर्गियाँ थीं और इतने के ही बराबर अंडे देने वाले भी एंड दीज वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ टू हंड्रेड एग्स वीक और एक वीक में ये लगभग दो सौ अंडे उसको प्राप्त होने लगे सुन ही वुड सेट ऑफ थ्री टाइम्स ए वीक विथ ए लार्ज बास्केट ऑफ एग्स ऑन ए व्हील ट्रक एंड हॉक देम इन कैस्टोर अब वह तीन बार सप्ताह में हॉकिंग करता है कैस्टोर नामक शहर में व्हील ट्रक पर अंडा को बास्केट में लेकर के उसके पास में अंडे बहुत हो गए अब वो कैस्टर में बेचने जाता है बेसिन में बास्केट में रख करके के उनको द नियरेस्ट टाउन जो शहर उसके करीब था बाय दिस टाइम द मनी नो लॉन्गर वेंट इन टू द बेसिन अब पैसा जो आता है बिक्री करके वह बेसिन में नहीं डाला जाता है बट स्ट्रेट इन टू द बैंक वह सीधे बैंक में जाता है बेंजी कुड रीड एंड ईयर और टू आफ्टर वर्ड्स ही रेड इन ए पेपर दैट इट वॉज बेटर टू सेग्रीगेट ब्रीड्स ऑफ हैंस वो पेपर में और पेपर पढ़ सकता था और पेपर में पढ़ा एक दिन कि मुर्गियों को अलग अलग रखना उनकी ब्रीड के कैटेगरीज को ध्यान में रख करके अच्छा रहेगा जैसे कीपिंग वाइट लेग हॉर्न सेपरेट फ्रॉम रोड आइलैंड्स ये ब्रीड है तो व्हाइट लेग हॉर्न नामक जाति के प्रजाति की मुर्गियों को रोड आइलैंड से अलग रखना चाहिए एंड यंग फ्रॉम ओल्ड और यंग मुर्गियों को ओल्ड से अलग रखना चाहिए दिस मिंट न्यू कूप्स इससे नया नए रूम की आवश्यकता होगी नए जगह की आवश्यकता होगी कुप मतलब जगह एंड एट द सेम टाइम बेंजी रेट दैट हैंस नीडेड एयर और उसी समय बेंजी ने यह भी पढ़ा कि मुर्गियों की हवा की जरूरत होती है एंड एक्सरसाइज एक्सरसाइज की भी एंड ड्राई हाइजीनिक प्लेसेज टू स्लीप और सूखी हुई ज़मीन चाहिए सोने के लिए बेंजी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अंडरस्टूड स्टूड ए सिंपल थिंग बेंजिंग बेंजी बहुत ही ताकतवर था बॉडी से और यह सिंपल बात तो समझ गया था कि लाइक नेलिंग वायर नेटिंग टू वुड एंड बिगेन हिमसेल्फ टू बिल्ड न्यू हाउसेज एंड कूप्स फॉर द न्यू सेग्रीगेटेड ब्रिड्स ऑफ हैंस और वह ये अपनी उंगुलियों से जाल बिनना सीख गया था जाल बुनना और वह नई मुर्गियों के लिए जगह बनाने में दरबे बनाने लगा बुन करके फॉर ऑल दिस ही नीडेड ए स्पेस इसके लिए उसे जगह की ज़रूरत थी एंड सो हिज फादर एंड मदर गेव हिम ए स्ट्रिप ऑफ लैंड रनिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द हाउस हाफ वे अक्रॉस द फील्ड और इसके लिए उसके माता पिता ने घर के पिछवाड़े से लेकर के हाफ लैंड तक उसको जमीन दे दी इन दिस वे दे गेव हीम समथिंग मोर प्रीसियस देन दे हैड एवर गिवेन बिफोर इसके पहले उन्होंने इतनी कीमती वस्तु किसी को नहीं दी थी उपहार में या दान में फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट फुल्ली रियलाइजिंग इट दे गेव ही में पीस ऑफ द अर्थ बिना सोचे हुए उसे ज़मीन का एक टुकड़ा उन्होंने दे दिया लाइन नंबर एट सो माई डियर फ्रेंड्स नाउ वी विल रीड लाइन नंबर एट ओके ऑल दिस टाइम दे दे सेल्व हैड स्ट्रगल हार्ड एंड ऑलमोस्ट वेनली विद द अर्थ इतने दिनों तक उसके माता पिता मेहनत बहुत मेहनत किए थे लेकिन वे अर्थ अर्थ से कोई खास फायदा उनको नहीं हुआ था एट द बैक ऑफ देअर माइंड्स बाई ए ले ए प्रीसियस बिलीफ दैट बेंजी वुड वन डे ग्रो आउट ऑफ हिज सिंप्लिसिटी उनके दिमाग में यह बात थी कि एक न एक दिन उनका बेटा बेंजी अपने सीधेपन से बाहर निकल चला आएगा और वो एक होशियार आदमी बन जाएगा इन द सेम वे दे चेरिस्ट ए साइलेंट बिलीफ और इसी प्रकार से उनके मन में एक विश्वास था एक विश्वास भरा हुआ था एक असीम विश्वास था छुपा हुआ विश्वास था साइलेंट बिलीफ दैट द अर्थ वुड वन डे आउट ग्रो इट्स पॉवर्टी कि एक ना एक दिन इस धरती से गरीबी दूर हो जाएगी द अर्थ वुड हाइड इल्डेड स्ट्रॉबरली फॉर देम अर्थ से उनको कम प्राप्ति हुई थी एंड द रीजन लाइक बेंजी वॉज सिंपल और बेंजी की तरह उसका भी रीजन सिंपल था जैसे बेंजी को लोग सिंपल बोलते थे उस तरह से ज़मीन से उनको क्यों फ़ायदा नहीं हुआ बहुत इसका रीजन भी सिंपल था द रीज़न वॉज नॉट इन द अर्थ ये द है टी एच ई ये द है सो so, बट इन देम सेल्फ रीजन जमीन में नहीं थी जमीन में खराबी नहीं थी बल्कि उसके मालिकों में खराबी थी खराबी क्या थी फॉर मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स दे हैड पुट रैदर मोर वैल्यू ऑन फेथ देन स्वेट उनके जीवन में विश्वास पर ज़्यादा भरोसा था उनको पसीना बहाने के बनस्पत मतलब मेहनत कम करते थे बात ज़्यादा बनाते थे मतलब भगवान का नाम ज़्यादा लेते थे और काम कम करते थे ये उनके ये बेंजी के पेरेंट्स की कहानी है उनका ये कैरेक्टर है दे बिलीव्ड इन गॉड मोर देन दे स्वेट इन द फील्ड स्वेट मतलब पसीना बहाना जितना वो पसीना बहाते थे उससे ज़्यादा वो विश्वास करते थे कि अपने आप हो जाएगा भला करेगा राम फॉर मैनी ईयर्स बेंजी बेंजीज़ फादर हैड बीन आ लोकल प्रीचर बेंजी के पिताजी लोकल उपदेशक थे ए मैन विथ क्वाइट ए गिफ्ट ऑफ टॉकिंग वो बहुत ही बातूनी थे ही लाइक नॉट ओनली टू टॉक ऑन सन्डेज केवल संडे को ही बात नहीं करना पसंद करते टू विलेज कॉन्ग्रीगेश्स गाँव के लोग जहाँ जमा होते थे वहाँ पर इन स्मॉल स्टील चैपल्स फार आउट इन द कंट्री साइड वो दूर देहात चर्च में जाकर के भी उपदेश देते थे बट ही लाइक टू टॉक टू द बैकडोर वो दरवाजे के पीछे भी बात करते थे ओवर द फील्ड गेट फील्ड के गेट पर भी इन द रोड साइड आउटसाइड द हाउस घर के बाहर भी मतलब काम जो उनका था उपदेशक का वह तो करते ही थे उसके अलावा भी वो दिन रात यदा कदा बातचीत करके ही अपना टाइम जाया करते थे ही टॉक्ड सो मच दैट ही मस्ट हैव एन आइडिया दैट द अर्थ डिजाइंड क्रिएटेड एंड नोरिश्ड बाई गॉड वू टेक केयर ऑफ इट्सल्फ वो इतनी बात करते थे कि उनको मन में उनके मन में विश्वास था कि धरती जिसे भगवान ने बनाया है भगवान ने पोषण किया है वह यह अपना ख्याल खुद ही करेगी वाइल ही टॉक्ड टॉक्ड वो बात में लगे रहते और उनकी फसलें बर्बाद हो जाती टॉक्ड थी सीडेड ये थीसिल्स क्या है ज, जंगल है खरपतवार जो खेत में हो जाने से फसल नुकसान होता है एंड चोक्ड हिज भीट रैबिट्स रैबिट जो एनिमल है ये बर्ड एनिमल है रैबिट ब्रोक इन एंड नॉड हिज कैबेज उसको गोभी को खा जाते थे स्टॉर्म्स स्मैश्ड हिज स्टैंडिंग कॉर्म और आधी से उसकी फसल खड़ी फसल बर्बाद हो जाती थी ही स्ट्रगल ऑन लाइक के मैन चेंड बाई बैड लक वह मेहनत तो करता था लेकिन ऐसा जैसे कि बुरे भाग्य ने दुर्भाग्य ने जिसे जकर रखा हो एंड वाइल ही न्यू दैट हिज लैंड वाज पुअर एंड दैट बेंजी वाज ए सिंपल मैन नो वन हैड एवर हैड द नीड और करेज टू टेल हिम दैट ही हिमसेल्फ वाज ए लेजी मैन विथ टू लार्ज ट्रस्ट इन प्रोविडेंस वह गरीब आदमी अपने बेंजी को सिंपल आदमी समझता था मूर्ख समझता था सीधा आदमी समझता था लेकिन किसी ने यह साहस नहीं किया जो उसको बतावे कि वे खुद वे लोग आलसी इंसान थे जो भगवान में ईश्वरीय कृपा पर प्रोविडेंस मतलब ईश्वरीय कृपा में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे एंड वाइल्ड हिज फादर टॉक्ड बेंजी वेंट ऑन स्ट्रीट फास्टली उसके पिताजी बात करते रहे और बेंजी लगातार मेहनत करता रहा विद द सिंपल बिजनेस ऑफ मेकिंग हैंस बाय ले एग्स मुर्गियों के अंडा देने का काम वो तो करवाता रहा पार्ट ऑफ़ द फील्ड एट द बैक ऑफ हिज फादर्स हाउस बिगैन टू रिजेंबल ए क्वेबरिंग चेकर बोर्ड ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन एंड वाइट फिदर्स अब मुर्गियों को उसने रंग के हिसाब से अलग अलग रखा तो चेकर बोर्ड की तरह उसका उसके खेत दिखाई पड़ने लगे क्योंकि सभी खानों में अलग अलग, अलग रंग की मुर्गियाँ भरी हुई थीं ब्लैक ब्राउन वाइट फीडर्स ये भिन्न भिन्न पंखों के भिन्न भिन्न रंगों के पंख थे मतलब वो मुर्गियों के रखने का प्लानिंग ऐसा किया कि एक रंग का एक जगह था तो चेकर बोर्ड की तरह हो मालूम पड़ने लगा फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ द एग्स हैड बीन टू मेनी फॉर द व्हील ट्रक अब मुर्गी अब अंडों की संख्या व्हील ट्रक पर ढोने से भी ज़्यादा हो गई एंड बेंजी एट रेगुलर इंटरवल्स बोरोड हिज फादर्स हॉर्स एंड कार्ट वह अब रेगुलर इंटरवल पर अपने पिता के गाड़ी को भाड़े पर लेता है उधार लेता है टेकिंग द एग्स नॉट ओनली डाउन इनटू द टाउन बट आल्सो इनटू मार्केट अब टाउन में ही नहीं पहुंचाता है बल्कि उसके आगे मार्केट में भी ऑल द टाइम बेंजी वोर द सिंपल स्माइल ऑफ़ ए सिंपल हार्टेड मैन ऑन हिज फेस हमेशा उसके चेहरे पर एक सादगी भरी मुस्कान हुआ करती थी जो एक सीधे साधे इंसान के चेहरे पर होती है ऑन ऑल द टाइम द मनी वेंट रिलीजली इन टू द बैंक इन हिज नेम और हमेशा रुपया जमा किया गया मनी व धन जो कमाता था उसके नाम पर बैंक में वेन बेंजी वॉज ट्वेंटी वन हिज मदर एंड फ़ादर प्लान एंड कैरियड आउट ए लिटिल सेरेमनी उसके माता पिता ने एक जब वो इक्कीस साल का हुआ तो उसकी माता पिता ने एक पार्टी रखी सेरेमनी बनाया दे गॉट हिज पासबुक फ्राम द बैंक वो बैंक से एक पासबुक उसके ले आए एंड एट सफ़र और रात के खाना के समय हिज फादर मेड ए शॉर्ट ऑफ स्पीच उसके पापा ने एक स्पीच जैसा डिलीवर किया ऑलमोस्ट इन द टोन ऑफ ए पब्लिक एड्रेस जैसे पब्लिक के बीच में भाषण देते हैं इन विच ही टॉक्ड एज इफ ही हैड बीन ए डिलीजेंट मैन ऑल हीज लाइफ उन्होंने भाषण में बताया कि वो पूरे जीवन एक पवित्र आदमी रहे हैं सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ थ्रिप्ट इंडस्ट्री और अध्यवसाय और उद्यमिता का उदाहरण पेश किए हैं एंड दैट दिस द पासबुक और ये जो पासबुक है वो आज बेनजीज नेचुरल रिवार्ड फॉर फॉलोइंग और अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने का इनाम मिला है बेंजी को इस पासबुक के रूप में ही टॉक्ड एज इफ ही वेयर टॉकिंग टू ए चाइल्ड हुटिल डज नॉट नो वन फ्राम टू वे इस तरह से बोल रहे थे जैसे वे एक छोटे से बच्चे से बात कर रहे हों जो दो में से एक अलग करना नहीं जानता था एंड ऐट लास्ट ही गेव बेनजी द पासबुक और अंत में बेंजी को पासबुक दिया दिस इज योर मनी बेनजी ही सेड नाव यू आर ट्वेंटी वन दिस इज योर मनी डू यू अंडरस्टैंड अब तुम इक्कीस साल के हो गए बेटा ये मनी तुम्हारा है इसको ले लो समझे कि नहीं बेनजी बोला यस बेनजी सेड एंड ही लुक टुक द पासबुक ही ओपेंड इट एंड लुकड एट इट एंड सो इन इट एन अमाउंट ऑफ मोर देन टू हंड्रेड एंड थर्टी पाउंड्स उसमें दो सौ थर्टी दो सौ तीस पाउंड रुपए पैसे थे उसमें धन था देन ही शट द ऑफ द पासबुक एंड इट इन टू हिज पॉकेट और तब उसने पासबुक को अपने पॉकेट में डाल लिया बंद करके बेंजिज मदर एंड फादर डिड नॉट स्पीक बेनजी के माता पिता कुछ नहीं बोले स्ट्रेंज ट्रेमर ऑफ ए पिक्यूलियर इमोशन वेंट थ्रो देम बोथ दोनों के मन में एक अनागत सा भय महसूस हुआ ए मिक्सर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एक निराशा का मिक्सचर था उसमें फियर भी था प्राइड भी था और पेन भी दुख दर्द गर्व सब का उसमें भय का उसमें मिश्रण था अमाउंट इन बेंजीज पासबुक वॉज मोर देन देमसेल्व्स हैड एवर एमेस्ड फ्रॉम द अर्थ इन देयर लाइव्स जो धन था पासबुक में वह उनकी पूरी जिंदगी में उस जमीन से कभी नहीं नि निकला था डेड हैड डिड नॉट होप एंड डिड नॉट मीन दैट बेंजी शुड गिव इट बैक टू देम वे ये भी उम्मीद नहीं करते थे कि बेंजी यह धन उनको वापस कर दे बट देयर वॉज समथिंग अबाउट द साइलेंट सिंपल फाइनेलिटी ऑफ हिज पुटिंग द पासबुक इन टू हिज पॉकेट दैट इज स्ट्रक देम लाइक ए ब्लो इन द फेस लेकिन पासबुक पॉकेट में रखने का तरीका जो था बेंजी का इससे उन्हें चोट लगी उनको दिल को ठेस लगी उसका तरीका अच्छा नहीं था मैनरलेस था जैसे दे हैड एक्सपेक्टेड समथिंग एल्स वे उम्मीद कर रहे थे कुछ और उससे ए वर्ड ऑफ थैंक्स जैसे वो थैंक यू बोलेगा थैंक यू पापा यू हैव गिवेन मी दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी पर हैव से कंसेसन शायद वो ये ऑफर भी करे कि आई वॉन्ट टू शेयर दिस मनी विथ यू ए विलिंगनेस दैट दे शुड Appear so completely indifferent to them and टू uh, a willingness that they should share the money they had helped to save और उसको ये भी ऑफर करना चाहिए था कि इस पैसा को मिलजुल के हम लोग खर्च करेंगे लेकिन उसने अकेले पैसे के पासबुक को अपने पॉकेट में डाल लिया इट हर्ट देम momentarily momentarily मतलब क्षणिक थोड़ी देर के लिए इसने उन्हें हर्ट किया आहत किया ये आप ध्यान देंगे ये हर्ट है इसको हार्ट नहीं पढ़ेंगे हार्ट होता है एच ई -E ए -E आर टी यह हर्ट इससे उनको आहत ये वो लोग आहत हुए दुखी हुए क्षणिक रूप से दैट बेंजी शुड अपियर सो कम्प्लीटली इन डिफरेंट टू देम एंड टू ऑल दे फेल्ट इस तरह से बेंजी इस तरह से बिहेव करेगा यह उनको उम्मीद नहीं थी उनको लगता था कि वह भी कुछ बोलेगा देन दे रिमेंबर्ड वाई इट वॉज तब उन्हें याद आई कि ऐसा क्यों हुआ इट वॉज बिकॉज बेंजी वॉज स्टिल सिंपल क्योंकि यह इसलिए हुआ कि बेंजी तो एक सीधा साधा सरल इंसान था उसे तो मैनर आता नहीं था देयर वेयर शेड्स ऑफ फीलिंग एंड कंडक्ट दैट वेयर बियॉन्ड हीज अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर ऐसे भाव थे जो उसकी समझ में नहीं आए वेयर टस्ट विथ पाइटी फॉर हिम उस बच्चे के लिए उन लोगों के दिल में करुणा की भावना ही ज़्यादा पावरफुल हो गई एंड अंडरस्टूड वे लोग समझ गए बात को कि बेटे को तो आता ही नहीं है मैनर वो तो सीधा आदमी है तो क्या जाने थैंक यू बोलना या कैसा बिहेवियर करना चाहिए कोई गिफ्ट दे तो तो ये लाइन नंबर फोर्टीन वाट आर यू गोइंग टू डू विथ द मनी इस दैड उन लोगों ने पूछा बेटे से बेटा इस पैसे का क्या करोगे गोइंग टू बाई ए पीस ऑफ लैंड बेंजी सेड बेनजी बोला कि मैं इसे जमीन का टुकड़ा खरीदूंगा जमीन खरीदोगे बोला कि कहा चार एकड़ जमीन है हमारे बगल में उसको बेचना चाहते हैं पुट बट बेनजी दे सेड हाउ डिड यू नो तुम्हें कैसे पता चला हाउ डिड यू फाइंड आउट तुम्हें कैसे मालूम पड़ा बेनजी हैड ए वेरी सिंपल आंसर वो सिंपल आंसर दिया आई वाइट मोर ही सेड मैंने मिस्टर वाइट मोर से पूछा वो बोले वेल दे दैट इज अ वेरी गुड आइडिया अ वरफुल गुड आइडिया यू कुडेंट डू एनीथिंग बेटर दोनों पेरेंट्स बड़े खुश हुए वो लोग बोले कि बेटा वाह क्या बात है वंडरफुल गुड आइडिया इससे छा तो कोई काम हो ही नहीं सकता तुम जमीन खरीदने जा रहे हो वाह लाइन नंबर ट्वेंटी टू एज टाइम वेंट ऑन

जब बच्चा पहला शब्द बोलता है या पहला कदम चलता है तो जो खुशी पेरेंट्स को मिलती है वही खुशी ये बेंजी के ज़मीन खरीदने के निर्णय से इस पेरेंट्स को हुई बेंजी अ सिंपल माइंडेड मैन बेंजी क्या है तो सीधा सरल दिमाग का आदमी है टेकन हिज फर्स्ट स्टेप इन नॉर्मल एडल्ट थिंग्स और नॉर्मल एडल्ट सामान्य जो वयस्क लोग करते हैं इस इस तरह से उसने बिहेव किया था पहली बार इट वॉज वंडरफुल टू दैट ही हैड टेकन द स्टेप विदाउट हेल्प बिना हेल्प के ही उसने स्टेप चला था विदाउट फोर्स और प्रॉम्पटिंग ऑल हीज बिना फोर्स के बिना किसी दबाव के बिना किसी प्रेरणा के अपने मन से उसने जमीन खरीदने का निर्णय लिया था ऑल हिज लाइफ दे हैड ट्रीटेड हिम एज ए चाइल्ड दैट विल नॉट ग्रो अप नाउ सडनली ही हैड ग्रोन अप पूरी जिंदगी वो लोग सोचे थे कि बच्चा कभी बड़ा नहीं होगा अब अचानक वो बड़ा मालूम पड़ने लगा दो दे कुड स्कॉसली रियलाइज इट बेंजी वॉज ए मैन ऑफ प्रॉपर्टी अब उनको बड़ी मुश्किल से अब रियलाइज करना पड़ रहा था कि बेंजी अब एक अमीर आदमी था वाज ए मैन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द नेक्स्ट फोर और फाइव ईयर्स बेंजी वेंट ऑन क्रिएटिंग मोर हाउसेज और मोर हेंस और अगले चार पाँच वर्षों तक अब ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाया और ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गियों की संख्या बढ़ाई एंड देन सेलिंग मोर एग्स एंड मेकिंग मोर मनी और ज़्यादा अंडे बेचे और ज़्यादा पैसे कमाए ही वॉज स्टिल ए सिंपल मैन अब भी वो एक सामान्य आदमी था सरल आदमी था ही कुड हैव ही कुड नॉट हैव मेड ए पेयर ऑफ बूट्स वह जूता भी नहीं बना सकता था ही न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट के विषय में कुछ नहीं पता था बट ही न्यू एवरी थिंग अबाउट ए हैन लेकिन मुर्गियों के विषय में उससे पूरा पता था दिस हैन वेयर हिज हैन वेयर स्टिल टू हिम द व्हाट द अर्थ वाज टू हिज पेरेंट्स उसके लिए मुर्गियाँ वही थी जो तो ज़मीन उसके पेरेंट्स के लिए थी एंड ऑल ही अंडरस्टूड वो समझ गया अब तक हम लोग पढ़े कि उस सिंपल आदमी ने बेंजी ने और कुछ नहीं किया बट उसने जो भी किया पूरी ईमानदारी से किया उसने मुर्गी पालन का काम मन से किया मुर्गियों के विषय में वह सब कुछ समझ गया भले ही और कुछ नहीं जानता था तो एक साधे सब है सब साधे सब, सब जाए कोई एक काम ईमानदारी से किया जाए मनोयोग से किया जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं सो दिस स्टोरी इज गोइंग टू गिव हस दिस मॉडल टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड अप टू लाइन नंबर ट्वेंटी थ्री आफ्टर दैट वी विल डू क्वेश्चन आंसर विच इज गिवन हियर क्वेश्चंस आर हियर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट यू हैव जस्ट स्टडीड बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ फोर्टीन बाय देन बेंजी हैड फोर्टी और फिफ्टी यहाँ पर लिखेंगे फोर्टीन और यहाँ पर लिखेंगे फोर्टी और फिफ्टी हैंस फोर्टी और फिफ्टी चालीस या पचास मुर्गियाँ। बेंजी न्यू अबाउट सेग्रीगेटिंग ब्रीड्स ऑफ दे आर कलर एंड दे आर ब्रीड उनको कलर और ब्रीड के हिसाब से मुर्गियों को अलग रखना चाहिए सो बेंजी न्यू अबाउट सेग्रीगेटिंग ब्रीड्स ऑफ हैंस थ्रो दे आर कलर एंड ब्रीड्स इन डिफरेंट ग्रुप्स जॉनसन बिलीव्ड दैट द अर्थ डिजाइंड एंड क्रिएटेड बाई गॉड ल्फ वो अपना ख्याल खुद रखेगी जमीन वो खुद ही कर लेगी विल ग्रो इट्सल्फ केयर ऑफ इट्स ठीक है तो ये वी हैम पासबुक उसको पासबुक दिया है पासबुक आफ्टर दैट टू पॉइंट टू What silent belief did Benji's parents cherish about their land? There was, the silent belief Benji's parents cherished about their land was that the land would take care of itself, land would grow itself. Why had their land not yielded much? Their land had not yielded much because they had not labored hard, they had not labored properly.

Silently put the passbooks in his pocket. When he silently put the passbook in his pocket, they felt insulted because they were hoping something grateful from that child Benji. They were hoping that he would speak some thankful words and he would offer the sharing of the money with them. But he did not speak any word. He only put the passbook in his pocket silently, it hurt them. What did Benji's parents expected when they handed him the passbook? They expected that he would offer the money to themselves to share and he would speak some thankful words. What did Benji want to do with money? Benji wanted to buy a piece of land with that money so this is finished here after uh, from line number 24 we will read in next video thank you for viewing have a nice day